गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिव वीक और आज की जो रेसिपी है वो भी है एक स्वीट डिश जो है एप्पल बासुंदी। नॉर्मली जो बासुंदी है वो हम खाते हैं कस्टर्ड एप्पल बासुंदी खाते हैं, केसर की बासुंदी खाते हैं, लेकिन ये एप्पल बासुंदी जरूर इंक्लूड कीजिएगा अपने रक्षाबंधन के मेनू में। तो रेसिपी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एप्पल बासुंदी। वैसे बासुंदी कस्टर्ड एप्पल की बासुंदी भी बनती है, केसर बासुंदी बनती है, ड्राई फ्रूट्स बासुंदी, लेकिन आज कुछ अलग सा ट्राई किया है और ये बहुत ही डिलीशियस इसका रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए कितनी यम्मी है ये। बनाने की इसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी अलग है, तो आप रेसिपी के साथ बने रहिए। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर फुल फैट मिल्क, मतलब फुल फैट दूध लिया है 1 लीटर के करीब। उसे हम बॉयल करेंगे, ये देखिए यहाँ पर। इसे सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है और उसके बाद हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे बॉईल करते रहना है। साथ ही साथ इस तरीके से इसे हिलाते रहना है, मतलब जो मलाई है वो हमें जमने नहीं देनी है, वो मिक्स करते हुए जाना है। तो टोटल हमें इसे बॉईल करने में 15 से 18 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है दूध, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक लिया है पैन और उसे गर्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और अब हम इसमें बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब चीनी ले ली है, ये देखिए यहाँ पर। और चीनी डूबेगी उतना हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए। उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, यहाँ कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ चीनी मेल्ट होगी तब तक हमें इसे फ्लेम पर रखना है। तो ये देखिए इसे मिक्स कर लेती हूँ मैं एक बार, ये देखिए। और इस तरीके से हिलाते हुए चीनी मेल्ट होगी तब तक हमें इसे इस तरीके से हिलाना है और इसे कुक करना है। फ्लेम जो है अभी मैंने लो कर दी है। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का एप्पल। इसे हम क्या करेंगे, ऊपर से पहले छिलका हटा लेंगे और उसके बाद हम इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी उबल रही है तब तक हम ये काम कर लेंगे। अभी यहाँ पर चाशनी जो है उबल के रेडी हो चुकी है, तो मैंने उसका गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ हम थोड़ी देर बाद गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जो सारे एप्पल के टुकड़े हैं उसे हम इस तरीके से चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने अलग से कोई भी एप्पल रखा नहीं है, सारा मैंने पूरा एप्पल इसमें ऐड कर दिया है और हम चाशनी के साथ एप्पल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एप्पल को कुक करना है तब तक जब तक कि एप्पल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर चाशनी के साथ किस तरीके से बॉईल हो रहा है ये। बस हमें तब तक इसे कुक करना है जब तक हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए और साथ ही साथ हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा ये, और थोड़ा सा येलोश कलर आ जाएगा इसका, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें इसे कुक करना है, लेकिन इसे चलाते रहिएगा। यहां मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ये देखिए। अब मैं ले रही हूँ एक छोटा वाला ग्राइंडर जार और उसके अंदर हम ये जो चाशनी वाले जो एप्पल है हमारे वो ठंडे होने के बाद हम ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और उसका एक रफ पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। यहाँ पर पेस्ट रेडी हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को डाल देंगे जो दूध हमने स्टार्टिंग में बॉईल किया था उसके अंदर हम इस पेस्ट को ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब ये ठंडा है तभी। ये देखिए तो जो एप्पल के जो लम्स है ना उसे हमें यहाँ पर ब्रेक करना है, उसे तोड़ना है और दूध के साथ उसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। फिर हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है, देखिए यहाँ पर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं और ये जो डिश बन के आएगी बहुत ही डिलीशियस बन के आएगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 से 4 बादाम को इस तरीके से कतरन में कट कर लिया है और इसे मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर जो ली है मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब और इसे भी हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। तो है ना इसका बिल्कुल अलग तरीका बनाने का। तो ये जो है ये देखिए एक बॉयल आने तक ही हमें इसे कुक करना है एप्पल का पेस्ट डालने के बाद, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसे ठंडा कर लेंगे पहले रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसे रेफ्रिजरेटर में हम एकदम चिल करके सर्व करेंगे। अब जो टाइम है वो है सर्विंग का। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कैसी बनी। ये देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ
और हमने इसमें ज़्यादा कोई भी फ्लेवर्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें एक टिपिकल एप्पल का फ्लेवर आएगा जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो प्लीज़ ज़रूर से ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। और कितनी इजी है, और जो दूध का बॉईल करने का जो टाइम है बस सिर्फ वही टाइम लगता है, बाकी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो दूध को आप एक तरफ गैस पर चढ़ा दीजिए और आप चाहे वो काम कर सकते हैं साथ साथ। तो बिल्कुल आसानी से ये फटाफट बनने वाली डिश है, तो जल्दी से इसे ट्राई कीजिए। उसके ऊपर मैंने इसे हल्का सा बादाम की कतरन से मैंने गार्निश कर दिया है इसे। तो बनके रेडी है हमारी एप्पल बासुंदी। आप भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन पे कोई न्यू रेसिपी। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रक्षाबंधन से पहले, ताकि वो भी इस डिश को ट्राई कर सके। तो लाइक करना ना भूलें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही यूनिक रेसिपीज के लिए। उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ ट्यूसडे को एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।